फाइनली वी रीच्ड कटरा एंड यू नो वॉट, यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि इवन आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। हाँ माना हमारी ट्रेन थोड़ी लेट पहुँची है यहाँ पे, बट इट्स ओके। गाइज आपको पता है मैं यहाँ पे कितने दिनों के बाद आई हूँ, लाइक मैं 8 to 9 ईयर्स के बाद में आई हूँ यहाँ पे। यू कैन सी हाउ मच द रश इज़ हेयर राइट नाउ। रेलवे स्टेशन में भी रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा ही भीड़ है इधर। यार हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने दिल्ली के अंदर अपनी पोस्टपेड सिम नहीं करवाई थी, तो अभी यहाँ पे हमें बाहर ही मिल गया, तो हम आ गए रूम पर और अब बस रेडी होके जाएंगे माता रानी के। एंड ये मेरा गंदी शक्ल का भाई है और सब अभी बैठे हैं, बातचीत चल रही है और ये मैं हूँ। भैया खाना खा रहे हैं, ये पापा, ताऊ जी, मैं कोई नजर नहीं लगा रही हूँ। आ गए हैं चेकआउट करके, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, हद से ज़्यादा वाली, मतलब अभी कितने बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, उस टाइम इतनी गर्मी है तो पता नहीं आगे तो क्या ही होने वाला है। यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है एंड यू कैन सी कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर, बहुत ज़्यादा थी। ओ लड्डू क्या कर रहे हैं, कहाँ लग गया तू? सभी जा रहे हैं वीआईपी पास बनवाने के लिए। ये वीआईपी पास हमारे ले लिए और अब हम बाणगंगा की तरफ वापस जा रहे हैं और वहाँ से हमारी यात्रा फाइनली शुरू हो गई। सो यहाँ से हमारी अब यात्रा स्टार्ट होगी। सो 1:15 पे हमने हमारी यात्रा स्टार्ट कर दी है। सो ये है गुलशन कुमार सर की शॉप और यहाँ डेली बेसिस पे भंडारा होता है। सो यहाँ से हमें 2 ट्रैक मिल जाते हैं अर्थ कुमारी से जाने के लिए भवन की तरफ। वेलाय सेड की यहाँ से 2 ट्रैक है, तो हमने पुराना वाला ही चूज़ करा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं और वो थोड़ा सही भी रहता है चढ़ाई के लिए। सो हम यहाँ पे डंडे और ख़रीद लेते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। ये बाणगंगा है, यहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था बट अब ये इधर पानी बस इतना ही। हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है आसपास के अंदर। वेल अगर मैं बाणगंगा की बात करूँ तो यहाँ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो जब माता रानी त्रिकुट पर्वत की ओर जा रहे थे तब हनुमान जी को प्यास लगी थी, तब उन्होंने माता रानी से बोला कि मुझे प्यास लगी है, तब माता रानी ने उनके लिए यहाँ से पर्वत से जल का निर्माण करा। और ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पे माता रानी ने अपने केश भी धोए थे। यहीं बीच रास्ते में इंद्रप्रस्थ भोजनालय, यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर खाना भी मिल जाता है और आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो। सो फाइनली अब हम अर्थ कुमारी के इधर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो यहाँ पे आराम से हम रेस्ट करके खाना वाना आराम से खा सकते हैं। एंड हम लोग भी थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये है हमारा अर्थ कुमारी, तो हमने यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें वापस हमारे दिल्ली की ट्रेन थी, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बस फ़ोटो शूट किया हमने और हम आगे बढ़े। पीछे का इसका व्यू इतना अच्छा, इतना अच्छा है और इतना अच्छा यार, कितना अच्छा है ये। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द भवन।
एंड यहाँ ये पानी मिल गया, इतने रास्ते तो नहीं मिला था यार, नहीं मिलना था इसको। भवन का ये रास्ता फिर भी ठीक है यार, इंसान थकता नहीं है। तो ये जो नीचे वाला रास्ता ना और तुम्हारी से पहले वाला, भाई साहब मतलब ऐसी बात नहीं है कि चल ही नहीं पाओगे, बहुत ओल्ड एज वाले लोग जाते हैं, बट ये है कि हाँ तुम्हें तो मेरे नीज़ के अंदर ना पता चलेगा कि यस तुम कर रहे हो मेहनत, इसमें इतना नहीं है, इट्स ओके ओके ओके। मौसम भी काफ़ी सही हो गया इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है चलने में। जय माता दी। वो इतना ये देखो कॉफ़ी लेके आया, बट मेरे को नहीं पीनी है, मेरे को नहीं पीनी है, तू मेरे को दे रहा था इस वजह से। अभी ना एक आंटी यहाँ पे आके बैठ के रोने लग गई, एंड अब पता चला है कि उन आंटी का बेटा पिछले 2 घंटे से मिल नहीं रहा है और अंधेरा भी बहुत हो चुका है। इनके फैमिली मेम्बर अभी 2 घंटे पहले अर्थ कुमारी नीचे वापस जाके आए हैं, बट वो नहीं मिला। सो अगर आपके साथ कोई भी बच्चा जाता है छोटा, तो प्लीज़ प्लीज़ उसका ध्यान रखो। ऑल्दो वो बच्चा अपने पापा के साथ ही था, बट फिर भी वो कब उनका हाथ छोड़ के चला गया उन्हें खुद पता नहीं चला। मैं भी माता रानी से यही प्रे करते करते चल रही हूँ कि वो बेबी अपने मम्मा को मिल जाए, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और एक बीच में एक और गर्ल मिली, वो भी 7 to 8 ईयर्स ओल्ड की ही थी, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बट थैंक गॉड उसके पापा मिल गए। पासिस की वजह से गेट नंबर 5 से हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज़ जो गेट नंबर 3 है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है जो नॉर्मल लाइन है, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर हमें आराम से 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। अब लॉकर के अंदर जल्दी से सारा सामान रखते हैं, क्योंकि मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ रख के अब जल्दी से दर्शन करने चलते हैं फाइनली। एज आई सेड अर्लियर कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो मैं वहाँ का रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। लाइक हम 15 to 20 मिनट्स तक मंदिर के अंदर ही रुके थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, ओके बाई।